का हाल बार हुआ सभी के तरह अपन होस्ट और दोस्त भोजपुरी ट्रेवलर फिर से वालों के स्वागत करता है एक नया वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग है क्योंकि आज के वीडियो में मैं किसी जगह के बारे में आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी। आज का वीडियो खास इसलिए है, अलग इसलिए है क्योंकि आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले आप नज़ारा देखिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं कहाँ पे हूँ और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, मैं आपके साथ क्या क्या बातें करूँगा, वो सारी चीज़ें शुरू करूँगा। लेकिन सबसे पहले आप नज़ारा देखिए। और ये खूबसूरत धरती है नागालैंड की। जी हाँ, मैं नागालैंड में हूँ। नागालैंड में मुझे 4 महीने हो गए और पिछले 4 महीने से मैं नागालैंड में हूँ। नागालैंड घूम रहा हूँ, नागालैंड को देख रहा हूँ, नागालैंड को समझ रहा हूँ। नागालैंड का ये जो गांव है, ये गांव है किग्वेमा और मैं किग्वेमा गाँव में पिछले 4 महीने से हूँ। और ये किग्वेमा गाँव का शानदार ये देखिए नज़ारा है। अभी धान की बुआई हो चुकी है और चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, बादल हैं। मतलब यहाँ बादल तो गजब, मतलब अटखेलियाँ करते हैं, क्या बताऊँ मैं, मज़ा आ जाता है देख के। तो मैं यहाँ पे चला आता हूँ शाम में बैठने, कभी सुबह में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और नागालैंड का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में कई चीज़ें आती हैं कि नागालैंड सेफ़ है या नहीं है, नागालैंड कैसे घूमा जाए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। ये देखिए, ये खेत में नीचे जाने का रास्ता है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हम एक्चुअली कहीं और जाने वाले थे लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। अभी एक लेडी नीचे खेत से आ रही थी तो उनको मैंने कहा वोइदमे। वोइदमे बेसिकली अंगामी का वर्ड है और वोइदमे का मतलब होता है कि क्या आप लौट रहे हो। मतलब जब कोई काम करके या खेत से लौटता है तो उसको वोइदमे कहते हैं। खैर, तो मैंने कुछ कुछ अंगामी के वर्ड सीख लिए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं पिछले 4 महीने से नागालैंड में हूँ और 4 महीने से घूम रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कई चीज़ें देखी, समझी और कई ऐसी जो चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में थी, जिसको पूर्वाग्रह कह सकते हैं आप, तो वो सारी चीज़ें दूर हो गई। तो आज का वीडियो जो मैं बता रहा था कि थोड़ा अलग है, अलग इसलिए है कि मैं आपसे बात करने आया हूँ। बात क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ जो है वो आप लोगों का धन्यवाद। आप जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा आप मेरे हो चुके हैं, 12,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 13,000 बस पहुँचने वाले हैं। और 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद भी मैंने आप लोगों से कोई बातचीत नहीं की, तो मैंने सोचा कि अब कम से कम एक बातचीत तो कर ही लेनी चाहिए। वीडियोस मैंने बहुत से दिखाए लेकिन ये पहली बार है जो जब मैं इस तरीके से आके आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो ये बातचीत करने का पूरा मकसद यही है कि आप लोगों को धन्यवाद कहना 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। और आप लोगों का जो सपोर्ट है, जो प्यार है, वो हमेशा इसी तरह बना रहे। आप लोग वीडियो देखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए, जो ख़राब लगता है उसके बारे में बताइए, ताकि मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि मैं नागालैंड काफ़ी दिन से घूम रहा था, तो नागालैंड का नाम सुनते ही हो सकता है कि आपके दिमाग में तरह तरह की बातें आती होंगी। कई लोगों के लिए नागालैंड का मतलब हेड हंटर्स है, कई लोगों के लिए जगह सेफ़ नहीं है। जब घूमने की भी बात आती है तो नागालैंड का मतलब क्या होता है, ज़ुको वैली, हॉर्नबिल फेस्टिवल और ज़िलेकी विलेज और खोनोमा। आपने कई सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे होंगे जो आते हैं नागालैंड पे और वीडियो बनाते हैं और मुश्किल से ही 4-5 जगहें दिखाते हैं वो। लेकिन मैं आपको नागालैंड, पूरा नागालैंड दिखाने वाला हूँ। नागालैंड में 12 ज़िले हैं और मैं 8 ज़िलों में घूम चुका हूँ। तो नागालैंड के जो वीडियोज़ हैं इस संडे से शुरू हो जाएंगे। इस संडे को मैं ट्रेलर लॉन्च कर रहा हूँ और उसके बाद हर हफ्ते 2 वीडियो डालने का मेरा प्रोग्राम है। देखता हूँ हो पाता है कि नहीं, क्योंकि साथ में ऑफिस का काम भी होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते 2 वीडियो डालूं। तो दूसरी बात यह है कि नागालैंड का सीरीज़ अब शुरू होने वाला है और संडे को मैं ट्रेलर डालूँगा और उसके बाद वीडियोज़ आएँगे। नागालैंड
जो मैं घूमा और आपको मेरे घूमने के तरीके के बारे में पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कैसे घूमता हूँ। मेरे घूमने का जो तरीका है वो लोगों से बातचीत करना और तमाम चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा मैं मतलब उस तरह से आप कहिए कि टूरिस्टिक नहीं घूमता, थोड़ा अलग घूमता हूँ। तो नागालैंड के जो वीडियोज़ हैं वो भी इसी तरीके से होंगे और ऑलमोस्ट मैं 8 जिलों में घूम चुका हूं, तो आपको नागालैंड के बारे में एक व्यापक, जिसको बोलते हैं ना कि व्यापक फलक पे आप नागालैंड को देखेंगे, काफ़ी मतलब अच्छे से मैंने कवर किया है। और इस बार भी वही लोगों से बातचीत, यहां के कल्चर, यहां की तमाम चीज़ें, यहां के एडवेंचर का मुझे बहुत शौक़ है। आप लोगों ने बाकी मेरे वीडियोज़ देखे होंगे छत्तीसगढ़ और इन सब जगहों के, तो मुझे एडवेंचर का बहुत शौक़ है। नागालैंड में आपको मैं भरपूर एडवेंचर कराऊँगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। बाइक राइडिंग मैंने खूब की है, मैं बाइक से ही घूमता हूँ, आपने मेरी बाइक देखी भी है, तो बाइक राइडिंग हर जगह की मैंने, उसके वीडियोज़ आप देखेंगे। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। थोड़ा सा कैमरा हाथ में उठा लेता हूँ और थोड़ा सा ऊपर आके बात करता हूँ। और एक चीज़ और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप भोजपुरी में क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं, नाम तो आपने रखा चैनल का शुरू में भोजपुरी ट्रैवलर और आप अब हिंदी बोलते हैं, इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे मतलब बड़ी वजह, मैं झूठ नहीं कहूँगा, सबसे बड़ी वजह जो ये है कि भोजपुरी में उस तरीके से लोग देख नहीं रहे थे, और जब लोगों ने देखना शुरू किया, जब मेरे कुछ वीडियोस वायरल हुए तब तक मैं हिंदी पे स्विच कर चुका था। तो पहली चीज़ तो ये थी कि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोगों को पता ही होगा कि एक एक वीडियो को रिकॉर्ड करना और फिर इस तरीके से उसको यूट्यूब पर डालना। देखिए मैं घूम रहा हूँ पिछले 12 साल से, ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि कई लोगों ने मुझे कहा कि जो आप घूमते हैं, जहाँ पे जाते हैं, उन जगहों को हमें भी दिखाइए, तो मतलब कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे बाकी लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं भी वीडियो बनाता हूँ। तो इसी के लिए मैंने मेनली अपना चैनल शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास एक ठीक ठाक जॉब है और मतलब सिर्फ पैसा मकसद नहीं है, मैं ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि 9 घंटे ऑफिस का काम करने के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए रोज़ 4-5 घंटे देता हूँ, तो ये बहुत हेक्टिक होता है, बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने सोचा कि जब इतनी मेहनत लग रही है और कोई देख नहीं रहा है, तो चलो लैंग्वेज चेंज करके देखते हैं। तो इसलिए मैंने लैंग्वेज चेंज किया, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को पता हो कि कोरोना वायरस आने के बाद तमाम जगहों पे लॉकडाउन मतलब लगे और बाहर जाना मतलब लगभग बंद हो गया है। तो मैंने सोचा ये था कि विदेशों में जाऊँगा, अलग अलग देशों में, और भोजपुरी बोलते हुए रिकॉर्ड करूँगा, मतलब भोजपुरी को तमाम देशों में लेके जाऊँगा, ये मेरा मोटो था। लेकिन चूँकि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ और देश में ही घूम रहा हूँ, तो फिर देश में आगे वाला बंदा आपसे हिंदी में बात कर रहा है, फिर आप हिंदी में उससे बात करें, फिर भोजपुरी में आप रिकॉर्ड करें, तो थोड़ा सा मतलब एक तो डबल मेहनत और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता कि जब हिंदी समझ ही रहा है तो क्या ही बात करना। तो इसलिए भी मैंने हिंदी पर स्विच किया। लेकिन जब मैं फिर से विदेश यात्राएँ शुरू करूँगा, और बहुत जल्दी करूँगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, तो फिर से मैं भोजपुरी को लेकर जाऊँगा और भोजपुरी में ही रिकॉर्ड करने की मेरी कोशिश रहेगी। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ यह है कि मतलब मेरे चैनल पे लोग आते हैं, देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग, जितने भी लोग देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ख़राब कमेंट मत करिए। बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता कि कोई बंदा ठीक ठाक काम कर रहा है, और आप लोगों ने मेरा काम देखा ही है, तो कोई बंदा ठीक ठाक काम कर रहा है और उसके वीडियो पर आके आप ख़राब कॉमेंट करें कि मतलब कोई बोलता है अरे बिहारी, कोई बोलता है हिंदी में बोल, मतलब इस तरह के कॉमेंट्स आते हैं, और कोई बोलता है कि किसी मतलब किसी लड़की को देख के कि वो लड़की बहुत अच्छी है, कुछ वैसी है, मतलब कमेंट पास करना, तो वैसे कमेंट मत करिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा है? पहली बात तो यह है कि वैसे कमेंट में पढ़ रहा तो उसका जवाब ही देता हूँ मैं उसी तरीके से, जिस तरीके से आप बोलेंगे, बिहारी बोलेंगे तो गुस्से में नहीं लेकिन लॉजिकली, तो उसका मैं जवाब देता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी के खिलाफ टिप्पणी करेंगे, किसी लड़की के खिलाफ कमेंट करेंगे, उसको मैं हटा दूँगा, वो भी जवाब देके मैं हटा दूँगा, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना भी वक्त बर्बाद करेंगे, मेरा भी वक्त बर्बाद करेंगे, तो ऐसे कमेंट करने से बचिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हाँ, अगर आप मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं घूमने के बारे में, या जैसा आपको पता है कि मैं कल्चर और तमाम चीज़ों के बारे में काफ़ी देखता हूँ, उसके बारे में पढ़ता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, तो कई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं, तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का, आप बिलीव करिए, अभी तक मेरे वीडियो पे जितने भी कमेंट आए हैं, सिंगल ऐसा कमेंट नहीं है जिसका मैंने जवाब नहीं दिया है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, तो लेकिन ख़राब कॉमेंट करने से बचिए। और अभी बहुत देर से कोई यहाँ पर छुप रहा था, तो मैं उससे मिलवाता हूँ आपको, ये अज़ो हैं।
तो ये नागालैंड का किग्वेमा गांव है और यहाँ पे मैं अजो के घर पे ही ठहरा हूँ पिछले 4 महीने से। और हम लोग काफ़ी घूमते हैं साथ में। अजो थोड़े शर्मीले हैं और जहाँ मैं ठहरा हूँ बाकी लोग भी शर्मीले हैं, जल्दी वीडियो पे नहीं आते, लेकिन ठीक है। अजो गुड, यू आर गुड? या आई एम गुड, आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो, इट्स ओके ना? ओके 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 फाइन ओके। तो ठीक है, यही सारी बातें करनी थी आप लोगों से, तो बातें अब ख़त्म हो गई मेरी। अगर आप लोग कभी चाहेंगे मुझसे लंबी बातचीत करने के लिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हो सकेगा तो मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों से बात करूँगा, और आप लोग कहेंगे तभी लाइव आऊँगा, क्योंकि मैं लाइव आऊँगा कोई वहाँ रहेगा नहीं दूसरी तरफ, तो क्या फ़ायदा है लाइव आके। तो आप लोग कहिएगा कॉमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ आपसे लंबी बातचीत करूँ, तो मैं लाइव आऊँगा। तो फ़िलहाल यही कहनी थी चीज़ें आपसे, तो ठीक है, फिर संडे से आप लोग तैयार रहिए नागालैंड सीरीज़। इस सीरीज़ को एक्चुअली मैं नाम दिया है मेगा सीरीज़, क्योंकि मेगा सीरीज इसलिए क्योंकि यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ घूमा मैंने, तो इसलिए इसको मैंने मेगा सीरीज़ नाम दिया। तो नागालैंड मेगा सीरीज़ का वेट करिए, इस संडे से शुरू होने वाला है। और तब तक के लिए अपने भोजपुरी ट्रेवलर को विदा दीजिए, बाय बाय। बाय अजो, बाय।